सारे स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इस साल फॉर एक्स, इसको हमने साल का टेक्स्ट के लिए, तो यहाँ हमारे पास सेवन क्वेश्चन है, 3 - 5x + 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 = 243। अब इसको साल पर नेक्स्ट के लिए, अब यहाँ हमारे पास क्या हो, -1/3 नेगेटिव है, -4 ही वहाँ प्लस हो जाएगी, यहाँ पे रहेगा 3 - 5x / 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू = 2/3, यहाँ माइनस है वहाँ लेकर प्लस हो जाएगा +1/3। ठीक है, अब यहाँ हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास चूंकि दोनों सेम है तो आपका 3 LCM आएगा। अब इसको इस पर डिवाइड करते हैं, आपने 3 को डिवाइड करना 3 से तो आंसर आएगा 1 × 2 = 2 प्लस, अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1 × 1 = 1 आएगा, अब 2 पे 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 3/3। अब 3 × 1 = 1 को हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 - 5x / 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू = 2, ये आ गया हमारे पास भी +1। अब जब आपने मार्ट को रिमूव करना है ना इस एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ आपका राइट साइड प्लस और माइनस आएगा, यहाँ पे जाना है 3 - 5x / 4 = +-1। अब इसको एक दफा आपने प्लस से सॉल्व करना है, एक दफा आपने माइनस से, तो यहाँ आ गया है हमारे पास भी 3 - 5x / 4 = +1। उसके बाद नेक्स्ट है कि 3 - 5x / 4 = -1। अब यहाँ आपका 4 डिवाइड है वहाँ जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो अगर 3 - 5x = 1 × 4, 3 - 5x = 1 = 4। अब यहाँ हमारे पास आपने मरूम करना फाइंड करना वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ आपका प्लस 3 है क्योंकि वहाँ एक माइनस हो जाएगा, -5x = 4 - 3। अब 4 में 3 को माइनस कर देंगे तो आपका 1 आएगा। अब यहाँ हमने मरूम करना वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ -5 हमारे पास मल्टीपल वहाँ डिवाइड होगा तो आएगा x = 1/-5, इसको लिखेंगे फिर x = -1/5। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ भी आपने मालूम करना फाइंड करना वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ आपका 4 डिवाइड है वहाँ मल्टीपल हो जाएगा तो आएगा 3 - 5x = -1/4, 3 - 5x = ±, करें तो मल्टीपल 1 × 4 = 4 आएगा, यहाँ हमारे पास प्लस 3 है इक्वल टू वहाँ लेकर माइनस हो जाएगा -5x = -4 - 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म हमारे पास नेगेटिव है, इनको प्लस करेंगे साइन बॉक्स आएगा माइनस, अब यहाँ आएगा -7। अब इक्वल के बहुत सारे नेगेटिव है कैंसिल, तो आएगा x = 5 का मल्टीपल वहाँ डिवाइड होगा 7/5, तो यहाँ हमारे पास आएगा फिर सॉल्यूशन सेट जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, यानी कि -1/5 और 7/5, यही हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह आपने करना है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 का सेवन पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 8 वाला, x + 5 / 2 - x = 6 है। अब यहाँ भी आपने यहाँ भी लाना है प्लस और माइनस है, आपने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करना है, x + 5 / 2 - x = +-6। ठीक है, अब एक दफा इसको आपने इक्वल करना है +6 के दफा माइनस, तो आएगा x + 5 / 2 - x = +6। उसके बाद नेक्स्ट है x + 5 / 2 - x = -6। अब यहाँ आपका 2 - x है वो डिवाइड है मल्टीपल देगा, तो x + 5 = 6 × 2 - x, x + 5 = 6 × 2 = 12। अब प्लस को माइनस करें मल्टीपल माइनस आएगा 6 × x क्या आएगा 6x। अब हमारे पास दो टर्म जो x को लेकर कर लेना जो लाइक टर्म है, तो यहाँ -6x, यहाँ क्या आएगा +6x, यहाँ +5 है इक्वल वहाँ लेकर माइनस को लेना, अब 1 कॉफिशियंट और ये 6, दो टर्म का आपकी पॉजिटिव है 6 और 1 7x हो जाएगा,
अब 12 में से 5 को निकाल दें 7, अब हमारे पास है जब वीक टर्म्स के अंदर हम जो कोफिशिएंट और प्लस माइनस करते हैं जो वेरिएबल है पावर है वैसे ही वैसे रहती है। अब यहां हम लोग करना वैल्यू ऑफ x यहां से हम और d पे वहां डिवाइड होगा x 7 ओवर 7 7 1 का 7 1 का तो x इक्वल टू आएगा x इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां आपका 2 माइनस x आपका डिवाइड है वहां होगा कितना है x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6 और 2 माइनस x x plus 5 is equal to minus 6 2s are 12 minus को minus करें multiply plus आएगा 6 into x पे आएगा 6x। अब यहां हमारे पास जो x का टर्म का वेक्टर कर लेंगे यहां plus 6x है यहां minus 6x हो जाएगा is equal to minus 12 यहां plus 5 है equal to वहां लेके minus हो जाएगा। अब यहां हमारे पास टू टर्म नेगेटिव है इनको प्लस करेंगे साइन आएगा माइनस का ठीक है। अब यहां हमारे पास प्लस 1 एक्स है यहां माइनस 6 है 6 में से अगर एक टर्म हमारे पास नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे बड़ी पे छोटी को साइन बड़ी आएगा 6 में से वाले को निकाल देंगे तो आएगा 5x साइन बड़ी का माइनस है। अब इक्वल के बोथ साइड नेगेटिव है ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहां आपका 5 के मल्टीप्लाई वहां डिवाइड एक्स इज इक्वल टू आएगा 17 ओवर 5 तो यही हमारे पास होगा सॉल्यूशन सेट एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 17 ओवर 5 यहां पे लिखना है हमने सॉल्यूशन सेट तो यहां आएगा 1 और 17 ओवर 5। अब इसका जो आपने जो डेरिवेशन करना होगा एक्सरसाइज 7.2 इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का 7 और 8 पार्ट आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके हाफिज़।